हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे मैं बना रहा हूँ, बिकॉज अभी के सिनेरियो में जब ये कोविड पीरियड चल रहा है तो बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो है PhD एडमिशन नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो आउट हो रहा है और उनकी लास्ट डेट और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट PhD की जो है आ चुकी है। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर, अगर हमें आगे जा कर के जो है PhD अपनी परस्यू करनी है और अगर हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी PhD करते हैं तो क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको मिलता है? बिकॉज हम सब जानते हैं कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास 12B एंड 2F ऑफ UGC एक्ट 1956 ये दोनों एफिलिएशंस हैं तो ही आपको जो है फेलोशिप मिलती है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2F तो होता ही है, बिकॉज उससे जो है यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होती है UGC द्वारा, पर 12B का एफिलिएशन बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ कि आप कहाँ चेक कर सकते हैं। बट ये दोनों चीज़ें जो है आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कुछ भी करके जो है, वहाँ कई बार ऐसा होता है कि आपको मिस कम्युनिकेशन करके आप एडमिशन ले लेते हो, फिर आपका जो है पैसे वगैरह जो है वेस्ट हो जाते हैं और आपको पता नहीं होता। वो मे बी आपको कमिट करती हैं पर कि हम आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे, बट यू शुड बी अवेयर बाय योर सेल्फ। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे। जी हाँ, इसका तो सबसे पहले मैं आंसर बता दूँ, जो भी मैंने सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका आंसर मैं बताऊँ कि हाँ, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। किस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको मिल सकता है और हम क्या उस फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये सारी जो है चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे हमारी वेबसाइट researchphd.in पे विजिट करते रहिए, जिसमें हम PhD एंड रिसर्च सेक्शन में जो भी रीसेंट PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस होती हैं वो डालते रहते हैं। करियर कॉर्नर सेक्शन जो आपको ऊपर दिख रहा है उसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी अभी रीसेंट वैकेंसीज आई होती हैं वो अपडेट करते हैं। क्विजेस में डेली क्विजेज आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। लर्निंग सेक्शन में आपको PDF मिल जाती है। वीडियो चैनल में आपको वीडियोज़ जो है मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ जो आपकी अक्सर बहुत से लर्नर्स के जो क्वेरी रहती है, जो कि PhD कर रहे हैं, जो PhD करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ वीडियो चैनल में। और कॉन्टैक्ट में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हम लिख करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ आर वेबसाइट researchphd.in। अपार्ट फ्रॉम दिस हम फेसबुक पे भी हैं, सक्सेस क्लासेस हमारे फेसबुक पेज का नाम है, और टेलीग्राम पे रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया इसका आंसर, ब्लैंक स्लाइड मेरे सामने, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल कर सकते हो जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको अवेल करता है अगर आप अपनी PhD कर रहे हो तो एज अ रिसर्च स्कॉलर। हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में तो जानते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है अगर वहाँ से हम अपनी PhD परस्यू करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका JRF क्वालिफाइड है तो आपको जो है UGC की स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है। पर उनके लिए क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है से PhD करना चाहते हैं, क्या उनको भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है? तो मैं आपको बता दूँ, देर इज़ अ रूल दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग असिस्टेंटशिप, दैट इज कॉल्ड टीचिंग असिस्टेंटशिप, जो कि आप को मिल सकती है अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी PhD करते हो। पर ये टीचिंग असिस्टेंटशिप हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल नहीं होती है और ना ही आपको इसके बारे में उनके प्रोस्पेक्टस में शो होगा या लिखा होगा, जो भी प्रोस्पेक्टस वो जारी करते हैं। इसके लिए आपको जो भी वहाँ पे काउंसलर्स हैं, जो PhD एडमिशन या एडमिशन सेल देख रहा है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोवाइड होती है। ये होता क्या है टीचिंग असिस्टेंटशिप, इसमें क्या होता है कि जब आप उस पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाते हो एज ए रिसर्च स्कॉलर, आपकी कोर्स वर्क की क्लासेस चालू हो जाती हैं, आपका जैसे कोर्स वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आपको ये टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। तो हम एलिजिबल हैं या नहीं कैसे पता चलेगा, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? टीचिंग असिस्टेंटशिप अगर आपको चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत इनोवेटिव होना चाहिए और आपका इंटरव्यू सॉलिड जाना चाहिए, क्योंकि ये सबको नहीं मिलेगी। उन्हीं को मिलेगी जो बहुत ही ज़्यादा
ब्राइट होंगे और जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा, जिनको सुन करके, जिनको देख करके जो इंटरव्यूअर है या जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, उनको लग रहा होगा कि हाँ ये बंदा जो है पढ़ा सकता है, या जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के या मास्टर्स के, उनको टीच कर सकता है, उनको पढ़ा सकता है, उन्हीं को जो है सिर्फ और सिर्फ उनको ये शो अगर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उन्हीं को सिर्फ टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है। ठीक है, ये कैसे मिलेगी? ये आपको मैंने बता दिया कि आपका इंटरव्यू और जो रिसर्च प्रपोजल है, मतलब आपको कुल मिला करके अपनी नॉलेज वहाँ शो करनी है कॉन्फिडेंस के साथ, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपके साथ वो एक जो है एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं। और ये एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स वर्क, और इसमें आपको बैचलर्स के, मास्टर्स के, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है वो आपको पढ़ाना है बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट्स को जो भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और इसका अमाउंट सर अप्रोक्स क्या रहता है? देखिए, इसका अमाउंट जो होता है ये डिपेंड करता है प्राइवेट, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अलग अलग अमाउंट होता है, पर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ जो अमाउंट आपको मिलता है टीचिंग असिस्टेंटशिप में, दैट इज़ अराउंड 10 to 12,000 rupees पर मंथ आपको मिलता है, जिससे आप अपनी जो है फीस वगैरह पे कर सकते हो। इसमें होता नहीं, होता क्या है उसमें, ये सिंपल से तरीका होता है, जैसे आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे टीच करते हो ना स्टूडेंट्स को, वैसे ही आपको जहाँ से आप अपनी PhD कर रहे हो वहाँ पे आपको जाके बच्चों को टीच करना है, एंड दे विल पे यू 10 to 12,000। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कि उनको लग रहा है कि इस इंसान को तो हम बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, इसको रख करके हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज इसके पास खूब नॉलेज है, तो दे कैन गिव यू 15 to 18,000 ऑल्सो, 20,000 ऑल्सो, है ना, इतना भी दे सकते हैं। बाकी मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ, दैट इज़ 10 to 12,000। ठीक है, और कोर्स वर्क के बाद आप उस कॉलेज में जाते हो, और अभी तो खैर कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन ही क्लासेस लगेंगी, बाकी आगे जा करके आपको उस यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पे जाना है, जो भी 2 या 3 या 4 जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं है ये, इट इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा पेमेंट भी नहीं मिलेगा आपको, ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, वी आर जस्ट गिविंग यू एन असिस्टेंटशिप कि आप जो है अपने एक्सपेंसेस में जो भी फीस वगैरह है वो बियर कर सकते हो, इफ़ समवन वांट यू नो फाइनेंस टू बियर हिज और हर एक्सपेंसेस, तो आपको वो मिलेगा, पर आपको उसके लिए 2 या 3 लेक्चर इतने ही होते हैं, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है उसको मिल रही है, तो मैंने उनसे जब संपर्क किया, वो इंदौर से अपनी PhD कर रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मिलती है और मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, बहुत अच्छा मेरा रिसर्च प्रपोजल था, तो मैं रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाता हूँ और वहाँ पे मुझे दो दो लेक्चर दिए गए हैं, 2 लेक्चर देते हैं मेरे को, कॉमर्स का ही है वो भी, और मेरे को अराउंड है ना 11,000 के आसपास जो है अमाउंट मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, जिससे अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा है, ही और शी इज़ सीकिंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये आपको मिल सकती है, पर इसके लिए आपको पहले से ही बात करनी पड़ेगी PhD जो भी एडमिशन से लेके, इज़ देर एनी प्रोविजन फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तो होता ही होता है, पर सारी यूनिवर्सिटी में होता है दैट आई कैन नॉट कमिट, है ना, वैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होता ही होता है, और आप जा करके वहाँ पे आप पढ़ा सकते हो। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं है ये, है ना, ये सिर्फ 1 या 2 लेक्चर आपको दिया जाएगा, आपको वो लेक्चर दोगे और उसके बाद जो है आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा 1 महीने बाद, या जैसा उनका क्राइटेरिया है, और फिर उससे आप अपनी जो भी PhD की फ़ीस है, कई कई बार तो ऐसा भी होता है ऑटो डिडक्ट हो जाता है, मतलब आपको पैसा मिलता नहीं है, आपकी जो फ़ीस आप आगे पे करने वाले हो उससे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहता है, ऐसे जो है सिस्टम भी हो जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है बर्डन फील नहीं होता रिगार्डिंग मनी। सो दिस वाज दी वीडियो, इसमें मैंने आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, कि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप अपनी PhD करना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है, एंड दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड थ्रू टीचिंग असिस्टेंटशिप, इसमें आपको जो है 10 से 12,000 रुपये के आसपास मिलते हैं, 2 से 3 लेक्चर आपको लेने पड़ते हैं, और जैसे आप लेक्चर लोगे, लेक्चर लेके आप घर आ जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर्स क्या रहते हैं वो मॉर्निंग में जाते हैं और फिर इवनिंग तक पूरा काम करते हैं, पर यहाँ पे आप लेक्चर लेकर के आ सकते हो, जैसा आपका उनके साथ जो है एग्रीमेंट हुआ उसके बेसिस पे। इसके लिए आपको अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से देना है और साथ ही साथ अपना रिसर्च प्रपोजल अच्छा करना है, जब आप अपनी PhD में एडमिशन ले रहे हो तब, मतलब इंटरव्यू आपका सॉलिड जाना चाहिए। सो दिस वॉज द वीडियो दैट आई वॉन्ट टू मेक, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमें, हम उसको कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर पूरा एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। हमारी प्लेलिस्ट भी है हमारे यूट्यूब वीडियो के होम पेज पे, रिसर्च एंड पीएचडी कर सक्सेस क्लासेस में, उस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखते रहिए। बहुत सारी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं और उस प्लेलिस्ट को अगर आप देखोगे, जैसे आपने पीएचडी रिसर्च या एमफिल वाली जो प्लेलिस्ट देखी, उसमें बहुत सारे आपकी क्वेरीज़ के सॉल्यूशंस जो हैं वो मिल जाएंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक्स मेरे पास आते रहते हैं, रिसर्च पेपर कैसे बनाना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, तो एक बार आप उसको देख लोगे तो आपको काफ़ी सारे आपके डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दिस वॉज द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपना लाइक्स और कमेंट्स से हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।